गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज एज 10 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है जो किस शेप में है? क्यूब के शेप में है। तो क्यूब में आप जानते हैं ऑल साइड सेम होती हैं, सारी साइड जो क्यूब की होती हैं वो सेम होती हैं। तो हम फर्स्ट और आगे क्या बोले, एंड अनदर क्यूबॉइडल, दूसरा वाला जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड के शेप में है, जहां पर उसका लेंथ गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, एक क्यूब है और दूसरा क्या है? क्यूबॉइड है। फर्स्ट वाला जो है वो क्यूब है, दूसरा वाला क्या है? क्यूबॉइड है। तो हम एक एक करके दोनों को ले लेते हैं। फर्स्ट वाला क्यूब यहाँ लेंगे और क्यूबॉइड यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो साइड क्या गिवन है? साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब वाले बॉक्स की जो साइड गिवन है वो कितने गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। सो इसका जो लेंथ है वो है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो गिवन है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ओके, तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। और सेकेंड वाले पार्ट में आपको बताना है कि विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किसका कम टोटल सरफेस एरिया है। तो दोनों का हमें निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पता है सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूब क्यूब का, फिर कैलकुलेट करेंगे किसका, क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, देखो क्यूब में क्या होती है, सारी साइड सेम होती हैं और लेटरल सरफेस एरिया मतलब फोर दीवारों का, चार दीवारों का एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे ऑफ बेस का और अपर पार्ट का काउंट नहीं करेंगे, तो कितना होता है, 4 × 4a² या 4 × साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 4a² के अकॉर्डिंग 4 × 10² करेंगे, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस मीन्स आ जाएगा 400 cm². तो ये आ गया है लेटरल सरफेस एरिया, किसका, क्यूब का। ओके, क्यूब के बाद हम बात करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया हो। ओके, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, अब इसका कैलकुलेट करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 6a² हम यूज करते हैं, तो 6 × साइड स्क्वायर का यूज करेंगे, तो 6 × साइड यहाँ पे कितना गिवन था, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो आएगा किसका, क्यूब का, वो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में आए तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। टू लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 12.5, सो 12.5 ले लिया हमने, ब्रेथ कितना गिवन है 10 ले लिया, हाइट कितना गिवन है 8। ओके, ये लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 2 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 10 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 × 44 और 1 कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 8, 44 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। 44 का हम मल्टीप्लाई सॉरी 45 मल्टीप्लाई बाय 8 हिट करेंगे तो 8 × 5 = 40, हाँ कैरी कितना आया, 4 आया, 8 × 4 = 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, यानी कितना आ गया 360 सेंटीमीटर गिवन था, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का आ गया है वो कितना आ गया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूब का तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं।
तो टोटल सरफेस एरिया की वर्ड क्या होता है, टू अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके वैल्यू रखते हैं टू अंडर ब्रैकेट, लेंथ कितना गिवन है 12.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से तो ब्रेथ कितना गिवन है 10 गिवन है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट तो ब्रेथ कितना है 10 है और हाइट कितना है 8 है सो हमने 8 रख दिया, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितना गिवन है 8 गिवन है और लेंथ कितना 12.5। ओके ये सारा डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा 125 डेसिमल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डेसिमल रिमूव, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 80 और 125 8 जा होता है कितना 1000, लेकिन यहाँ पे 12 डेसिमल लगा हुआ है तो ये डेसिमल एक रिमूव होगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है अब टू मल्टीप्लाई इन 125 80 और 100 इन तीनों को क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे तो मैं साइड में कहीं पे ऐड कर लेता हूँ 125 और 80 एंड देन 100 सो 5 8 to 10 का 0 एंड 113 कितना आ गया 305 अब कितना है 305 मल्टीप्लाई बाई 2 सो 305 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने सारा डेटा कैलकुलेट कर लिया है, क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 400 ओके, लेटरल सरफेस और एरिया किसका क्यूबॉइड का 360 ओके, और टोटल सरफेस एरिया किसका क्यूब का कितना 600 और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना 610। अब हमें बताना था फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में उनका डिफरेंस बताना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट जो था ओके क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट था विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया का। ओके सो डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का देखें आप कितना गिवन है 400 और इसका गिवन है कितना 360, तो आप देख रहे हैं डेफिनेटली किसका गिवन है क्यूब का ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है कितना ज्यादा है तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 400 में से हम 360 को माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा निकला 40 ज्यादा निकला, कितना ज्यादा निकला 40, तो डिफरेंस जो आया सरफेस एरिया में वो कितने का आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया, तो हम लिखेंगे हेंस द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अभी कर्व यानी लेटरल की बात की है कर्व को ही लेटरल बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स इज मोर देन द क्यूबॉइडल बॉक्स। ओके क्यूबॉइडल बॉक्स से क्या है इसका एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना ज्यादा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना था, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल सर्फेस एरिया के अकॉर्डिंग, तो टोटल सर्फेस एरिया यहाँ पे भी सेम करेंगे हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे टोटल सर्फेस एरिया का, तो डिफरेंस इन टोटल सर्फेस एरिया, तो टोटल सर्फेस एरिया यहाँ पे देखो किसका है 600 है और यहाँ पे कितना 610, तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 610 से आप क्या करेंगे ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करते हैं, 610 से 600 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो टोटल सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का, और कोई किसका ज्यादा है देखो क्यूबॉइड का ज्यादा है, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा था क्यूब का ज्यादा था बट टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है क्यूबॉइड का ज्यादा है, तो हम लिखेंगे हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स इज मोर देन क्यूबॉइडल क्यूब बॉक्स, ओके क्यूब बॉक्स बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये हो गया हमारा सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन था क्या एजेस गिवन थी क्यूब की और क्यूबॉइड की, तो हमने क्या किया दोनों का लेटरल सरफेस एरिया और दोनों का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है, और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंसेस बताना था तो वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है किसका कितना ज्यादा है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया और सेकंड में टोटल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बताना था, तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।